इस वीडियो बात करने वाले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2024 के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। ठीक है, कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कितना साइज के करना है, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्या सेल्फ स्टेटस यहाँ पे अपलोड करना है, इस वीडियो में सारा डिटेल में बात करेंगे। इस चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी इस पर जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब अप्लीकेशन फॉर्म भरा में आएंगे आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि आपको मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि मार्कशीट अपलोड करना है, और यहाँ पे केवी में यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया कि कितना केवी में अपलोड करना है। वही फोटो सिग्नेचर के बारे में बात करें तो फोटो सिग्नेचर का जो साइज है यहाँ पर दिया गया है कि फोटो आपको जो फोटो का जो साइज रखा गया है 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वही सिग्नेचर का जो साइज यहाँ पर बताया गया है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर का साइज जो है यहाँ पर दिया गया है, बट इसको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है जैसे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हो गया या इंटर का डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, या ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, ये सभी जो डॉक्यूमेंट या जाति हो गया, आवासीय हो गया, ये सभी जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर फाइल का साइज यहाँ पर नहीं देगा। जैसा कि देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 9 में आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 9 में तो बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपका फोटो सिग्नेचर का साइज बताया गया है कि इस पर जो 20 से 100 KB के बीच में आपका फोटो यहाँ पर आना चाहिए, फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर का जो यहाँ पर स्कैन किया हुआ जो साइज मांगा जा रहा है 10 KB से लेकर 50 KB तक। तो फोटो सिग्नेचर का जो साइज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इतना के बी से लेकर इतना के बी तक मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, या इंटर का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है, तो इसका जो है साइज का मेंशन नहीं किया गया है। बस ये मेंशन किया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सो अभी प्रमाणित यानी सेल्फ स्टेटस करके यानी आपको सिग्नेचर करके इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे लिखा गया है कि भारतीय निम्नांकित प्रमाण पत्रों की सो अभी प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। ठीक है, ये क्लियर लिखा गया है सिर्फ कि सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर साइज के बारे में नहीं बताया गया। तो आप लोग क्या करेंगे जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और जिनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो दोनों भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें साइज के बारे में, तो देखिए इसका जो साइज आपको रखना है, आप फॉर्मेट जो रखना है, तो आपको एक फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में रखेंगे। ठीक है, आपको इसका जो फॉर्मेट रखेंगे फाइल का PDF फॉर्मेट रखेंगे, इसका जो साइज रखेंगे 100 KB से लेकर 200 KB तक आप रखेंगे, इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे जैसे कि 150 हो गया, 180 हो गया, 190 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे 200 KB तक साइज में रखें। ठीक है, PDF फॉर्मेट है तो आपको इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इसका जो साइज है कितना KB के अपलोड करना है। ठीक है, इसका जो है ना इस साइज मेंशन नहीं किया है, बट आप 200 KB तक रखिए PDF फॉर्मेट में, आपको आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोटो सिग्नेचर का साइज दिया गया है और इस सभी का डॉक्यूमेंट का साइज नहीं दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक नंबर के साथ।